तो है यानी वर्क एंड टाइम का वीडियो नंबर 5 फॉर टेट सी टेट एंड यूपी टी जी टी मैथमेटिक्स के लिए एंड यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एंड अदर बंद एग्जाम जैसे कि SSC एंड UPSC एंड ATC। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। इसमें चार वीडियोस आ चुकी हैं। वीडियो नंबर फाइव में थोड़ा हार्ड और लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, ए एंड बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन थे ए अकेले का था, बी अकेले का था। ए एंड बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने इकट्ठे काम करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, ए एंड बी किसी काम को करते हैं 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में दोनों काम समाप्त कर देते हैं, किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया था, परंतु दो दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अब यदि दो दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो, तो बी अकेला इसके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? दो दिन बाद कार्य समाप्त हुआ, यानी कि 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। जो शेष कार्य बचा, उसको ए ने किया होगा और ए ने उसको 2 दिन तक पूरा किया होगा। ठीक है, अब ये लॉजिक है इसमें, दो दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि टोटल कार्य को, जितना भी कार्य था, उसको बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ए और बी किसी कार्य को करते हैं 3 दिन में, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/3 भाग। ठीक है, इन टोटल कार्य का 1/3 भाग दोनों 1 दिन में कर देंगे। 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा, यानी कि 2 दिन तक दोनों ने कार्य किया है, तो ए तथा बी का, ए प्लस बी का 2 दिन का काम। ठीक, 2 दिन का काम हो जाएगा इसका 2/3 भाग, यानी कि 2/3 पार्ट काम हो चुका था। ठीक है, ए और बी ने दो दिन तक कार्य किया, यानी कि उन्होंने 2 दिन में 2/3 भाग कार्य किया। शेष कार्य बचता है 1 - 2/3, यानी कि 1/3 भाग, 1/3 भाग कार्य बचता है। इस 1/3 भाग कार्य को ए 2 दिन तक कर रहा। ठीक है ना, यानी ए ने किया, बी ने जब कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य किसने किया? बी के कार्य छोड़ने के बाद शेष कार्य को ए ने किया, यानी कि ए शेष कार्य यानी कि 1/3 भाग करता है 2 दिन में। ठीक है, ए जो है शेष कार्य यानी 1/3 भाग करता है 2 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में इसका 1/6 भाग करेगा ना, एक दिन में, यानी ए ए ए 1 दिन में 1/6 भाग कार्य करेगा। तो ए का 1 दिन का काम भी आ चुका है, इसको कह देंगे ए का एक दिन का काम इक्वल टू आ चुका है 1/6 पार्ट, 1/6 भाग करेगा। ठीक है, ए और बी का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम 1/3 था, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, अगर मानना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। ए और बी का 1 दिन का काम 1/3 भाग है, ए का 1 दिन का काम आ चुका है 1/6 भाग, तो यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का 1 दिन का काम उसका जो वैल्यूज है वो है 1/3, और इसमें हम ए का 1 दिन का काम रख दे रहे हैं, बी का 1 दिन का काम निकल आएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू है 1/3 माइनस का 1/6, 6 LCM, 3 × 2 - 6 = 1, यानी कि 1/6 ही आ रहा। दोनों बराबर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए भी उतना ही काम कर रहा था और बी भी उतना ही काम कर रहा था। तो बी का 1 दिन का काम आ गया है, बी का 1 दिन का काम आ चुका है 1/1
1/6 भाग, यानी एक दिन में 1/6 भाग बी कार्य कर रहा। तो क्वेश्चन में कहा था कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, इस कार्य को कहा यानी टोटल कार्य को कहा। बी का एक दिन का काम 1/6 भाग आया है तो बी पूरे कार्य को 6 दिन में करेगा, ठीक है ना। ये आ चुका है बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम इक्वल टू 1/6 भाग, यानी कि बी इस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा, यही हमको बताना था। तो यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक रहेगा, कहाँ पे किसने कार्य छोड़ा है, किस तरह से किया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आते रहते हैं एंड TGT में तो काफ़ी चांसेस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC में आया हुआ, ये क्वेश्चन SSC का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले 20 दिन में कर लेता है, संपूर्ण कार्य ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, सही है। ए और बी किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 भाग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिल किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो एक दिन का काम इतना है तो ए और बी का 20 दिन का काम, 20 दिन तक उन्होंने कार्य किया, 20 दिन का जो काम है वो हो जाएगा 20/3, 30 यानी कि 2/3 भाग, 2/3 भाग उन्होंने कार्य कर लिया है। जो शेष कार्य बचा यानी 20 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तो ए अकेला बचता है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बन, कार्य को बन माना जाता है कंप्लीट को, तो शेष कार्य होगा 1 - 2/3, क्योंकि 20 दिन में 2/3 भाग कार्य हो चुका है तो शेष कार्य बचा है 1/3 भाग, ठीक है ना। 2/3 भाग हो चुका है, 1/3 भाग बचा है शेष कार्य, ठीक। अब बात आती है कि बी ने 20 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, ठीक है। तो शेष कार्य को ए अकेला 1/3 भाग कार्य करता है कितने में, 20 दिन में। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/3 × 20 भाग करेगा, है ना। 20 दिन में 1/3 भाग कर रहा है, कार्य करेगा ए, ठीक है। ए अकेला एक दिन में 1/60 भाग, यानी ए का एक दिन का काम आ चुका है, एक का एक दिन का काम आ चुका है 1/60 भाग। यहाँ से हम बी का एक दिन का काम निकाल लें, कोई ज़रूरत नहीं है, बी का पूछा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का नलास में नहीं पूछा, संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आंसर आ जाएगा 60 दिन, ए का एक दिन का काम है 1/60 भाग, यानी कि एक दिन का निकालने से कंप्लीट कार्य निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ए संपूर्ण कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा, ए संपूर्ण कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम 1/60 भाग है, 1/60 भाग है, तो पूरे कार्य को ए कर पाएगा 60 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो कंबाइंड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें दो दो का होगा, एक कर रहा है एक दूसरा छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को अकेले 45 दिन और 40 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ए और बी अकेले किसी कार्य को एक 45 में करता है और एक 40 दिन में समाप्त करता है, इकट्ठे कार्य प्रारंभ किए
किया, लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 23 दिन में समाप्त किया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, ये बताना है कितने दिन बाद छोड़ा। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है। ए किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करता है 45 दिन में, ठीक है ना। ए किसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का कार्य इक्वल टू 1/45 भाग, ठीक है। 1/45 भाग वो एक दिन में कर देगा। बी किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करता है 40 दिन में, यानी कि बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/40 भाग, ठीक है। ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसे 40 दिन में करता है। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ये पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ा है। तो बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ठीक है। ये मालूम नहीं है कितने दिन बाद छोड़ा है, तो थोड़ा सा मतलब टिपिकल तो हो ही गया। ए और बी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए और बी एक साथ कार्य स्टार्टिंग करते हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लें, इससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का कार्य जब एक साथ करेंगे तो एक दिन का कार्य निकाल लिया जाए। दोनों का एक दिन का कार्य यानी कि ए और बी का एक दिन का कार्य 1/45 प्लस का 1/40, ठीक है। 1/45 प्लस का 1/40, इसको अगर सॉल्विंग करते हैं तो ये हो जाएगा 8/9 और एलसीएम आएगा 360, ठीक है। 360 एलसीएम आएगा, या इसको एडिंग करने में बनेगा 17/360, ठीक है। 17/360 भाग कार्य दोनों एक दिन में करते हैं, यानी कि 17/360 पार्ट कार्य, इतने भाग कार्य दोनों एक दिन में करते हैं, ठीक है। तो 17/40 कार्य करने में, तो ऊपर जो बचा है 17/B का 23 दिन का कार्य, ठीक है। तो B का 23 दिन का कार्य निकाल लो, B ने शेष कार्य को 23 दिन में किया, है ना, अकेले ने। तो क्वेश्चन में एक लॉजिक और है, बी ने शेष कार्य 23 दिन में किया। बी का एक दिन का काम हमें पता है, ठीक है। तो बी का 23 दिन का कार्य, 23 दिन का कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17/40, यानी कि 23 दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/40 है, तो 23 × 1/40 हो जाएगा, ठीक है। 23 × 1/40 यानी कि 23/40 हो जाएगा। तो बी ने 23 दिन में कार्य किया था, उससे पहले जो कार्य बचा था जो दोनों मिला के कर रहे थे, ए और बी दोनों कर रहे थे, वो हमें बताना है। जो शेष कार्य बचा था, शेष कार्य को बी ने किया 23 दिन में। तो बी ने 23 दिन में कितना कार्य किया, 23/40 भाग किया। अब देखना है कि शेष कार्य कितना था, तो शेष कार्य को घटा देंगे 1 में से 23/40, या कंप्लीट कार्य 1 माना जाता है, 1 में 23/40 घटा देते हैं, तो ये बचेगा 17/40 भाग। 17/40 भाग कार्य इन दोनों ने किया था, दोनों ने मिला के किया था, ठीक है दोनों ने मिला के किया था। तो कितने दिन लगेंगे 17/40 भाग कार्य करने के, क्योंकि दोनों का एक दिन का जो कार्य है वो है 17/360 भाग एक दिन का। तो 17/40 भाग कितने दिन में करेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 17/40 को भाग कर देंगे 17/360 से, ठीक है। यानी कि दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया था, ठीक है। 17/40 भाग कार्य दोनों करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो ये आएगा 17/40 अपॉन
कितना 17/360, यानी कि वो हो जाएगा 360/40, यानी कि 9 दिन आ जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया, ठीक है ना। तो 9 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया, जो शेष कार्य बचा था उस कार्य को किया था बी ने अकेले 23 दिन में। तो उसी से आइडिया लग पाया कि बी ने 23 दिन तक जो कार्य किया तो बी ने कितने भाग कार्य किया, ठीक है। तो बी का एक दिन का कार्य हमें पहले से मालूम था, वो ए का भी मालूम था, बट बी ने 23 दिन तक किया तो बी का 23 दिन का कार्य निकाला। उसके बाद शेष कार्य निकाला, वो आया 17/40 भाग। अब 17/40 भाग कार्य दोनों ने किया है तो कितने दिनों में किया, क्योंकि दोनों का एक दिन का कार्य हमें मालूम है, दोनों एक दिन में करते हैं 17/360 भाग, ठीक है। तो दोनों 17/40 भाग कार्य करेंगे, 17/40/17/360, यानी कि 9 दिन में। या अब बात आती है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, आंसर ये बताना था। तो ए ने 9 दिन तक कार्य किया था साथ, और 9 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया था, ठीक है।